अब आप हम जरा सिम्टम्स के ऊपर आ जाते हैं कि, और मैं इसके ऊपर क्विकली जाऊंगी क्योंकि आप लोग सब इसको अच्छी तरह देख लेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी होते क्या हैं। चलें, बच्चा फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी, ये वर्ड डिसेबिलिटी कहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जो कि आपको फिजिकली शो होती हो। कुछ फर्क नहीं आता बच्चे की फिजिक में, ठीक है, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस एरिया है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा जो है स्कूल में फ्रेंच सीख रहा है और उसमें फ्रेंच के मार्क्स में उसके बहुत बुरे आ रहे हैं, बट बाकी सब जगह में वो अच्छा पढ़ रहा है, तो उसे किसी किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं, ये लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज के इशू है। लेकिन आप लोगों के यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं तो मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये देखें कि अनइवन एरिया आ रहा है, आपके बच्चे के मैथ में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं ऑलवेज सिंस किंडरगार्टन से ऊपर तक जाते जाते, लेकिन उसकी जो कंप्रिहेंशन स्किल्स है या उसकी राइटिंग है या रीडिंग स्किल्स उसकी नहीं इम्प्रूव हो रही, और इसमें आपको 2 साल लग गए हैं और आपने हर कोशिश भी कर ली है, टीचर ने, और आपने 2 टीचर भी मुख्तलिफ क्लासों के, तो इसका मतलब है कि किसी टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, ये बच्चे को मुश्किल हो रही है रीडिंग करने में, तो यह फिर बच्चा बहुत डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा, इसका कोई मैसेज आ रहा है आपको? हाँ जी, चलिए चले, हम आगे जा रहे थे इसके ऊपर कि जब ये लर्निंग डिसेबिलिटी आती है तो इसके साथ एडीएचडी का बहुत ज़्यादा कमोर्बिड कंडीशन है। एडीएचडी जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये दोनों बहन भाइयों की तरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे चलते हैं ये। तो जब हमारे पास कोई बच्चा आता है जिसको एडीएचडी हो, तो हम कोशिश करते हैं कि ये देख लें कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से एडीएचडी है या क्या, तो दोनों चीज़ों के हम को देखना शुरू चाहते हैं। और इसको एलडी जो है वो मेडिकली डायग्नोज की जाती है, आपको जाना ही पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपको रेफर करेगा साइकोलॉजिस्ट की तरफ, साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके बच्चे के साथ बैठेगा। इसको शुड बी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, किसी और थेरेपिस्ट के पास ना बच्चों को लेकर जाया करें, दिखा देख लें कि इन दोनों में से कौन है सर्टिफाइड, और फिर आप अपने बच्चों की असेसमेंट कराएं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्विकली के टाइप्स क्या है लर्निंग की। अच्छा, डिसलेक्सिया, रीडिंग की, यहाँ पे मेरे पास रीडिंग की एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊँ आपको, मैं कुछ रखी थी रीडिंग एग्जाम्पल्स, वी हैव राइटिंग एग्जाम्पल्स, वी डोंट हैव अ रीडिंग एग्जाम्पल, इट्स हियर विद मी। ओके, अच्छा, आप ये समझें, फोरसी करें कि आप एक बुक देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन रीडिंग जो डिसेबिलिटी है उसका, ये जो जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं हमारी टर्म में, उसमें बच्चे को जो लफ्ज़ हैं, जो हर्फ हैं, जैसे एक वर्ड है, वो अपनी प्रॉपर लाइन में नज़र नहीं आता, ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आएगा या उसे मिक्स नज़र आएगा, आप ये समझ सकती हैं कि ब्लरी आएगा, कभी जो वर्ड्स जो हैं वो आउट ऑफ फोकस लगते हैं उसकी। मेरे पास इस वक्त तस्वीर जो है वो बाद में मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये तस्वीर है, पर मेरे पास उसका प्रिंट आउट नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको लगता है कि ये नजर आ सकता है, आप ये देख सकते हैं ये तस्वीर, हाँ आ रहा है नजर, है हाँ, आप ये देख रहे हैं ना कि कैसे वर्ड्स नजर आ रहे हैं बच्चे के ऊपर, बच्चे को इस तरह से उनको नजर आता है। और जब आप बच्चे को डांटते हैं और कहते हैं कि नहीं देखिए, कि नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये ऐसे कहो और ये तुम गलत पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से बच्चे को नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये वाली तस्वीर आपको मैं दिखाऊं इसके अंदर, हाँ ठीक है, ये देखिए, आपने ये देख रही हैं आप, ये लोग, आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसके अंदर कि ये ठहरिए, तो टच टेक्नोलॉजी है ना, 1 मिनट में साइट पे हो गया वो। एक मैं आपको ये एग्जांपल दिखाती हूँ, दूसरे कंप्यूटर, ये देख रही हैं आपकी, कोई स्पेस नजर नहीं आ रही बच्चे को, कोई स्पेस नजर जब नहीं आ रही होती तो ये इस तरह से वो पढ़ रहा होता है, इस वजह से वो एक वर्ड, पूरा वर्ड प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। ये देख रही हैं आप यहाँ पर, दिस इज हाउ दे सी द वर्ड एंड द सेंटेंसेस, तो यहाँ पे बच्चे को मुश्किल है, ये क्लियर डिसलेक्सिया है, ठीक है।
चलें। अच्छा, डिसलेक्सिया बहुत ज़्यादा कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है, रीडिंग, और रीडिंग की वजह से बच्चा राइट नहीं कर पाता, और राइटिंग की वजह से वो अच्छे नंबर नहीं ले पाता, और वो अंडरस्टैंड नहीं करता। जब वो रीड नहीं प्रॉपर करेगा तो वो उसको अंडरस्टैंड कैसे करेगा और उसे कंप्रीहेंड कैसे करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने समझ लिया कि रीडिंग जो है वो डिसलेक्सिया जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है डिसलेक्सिया के ऊपर? नहीं है। अच्छा, अगली जो है डिसेबिलिटी, उसको कहते हैं हम डिसकैल्कुलिया। वो है मैथ में, जिन बच्चों को सिर्फ मैथ का प्रॉब्लम है। मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मिसाल के तौर पे। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये आप ये देख रहे हैं किस तरीके से लिखा जा रहा है। ये नंबर्स लिखे हैं, ये फोर्थ ग्रेड के बच्चे ने लिखे, और ये बच्चा इंग्लिश में सब सही कर रहा है, और ये देखें ये कैसे लिख रहा है। ठीक है, ये उसका आप मैथ का आप ये देखें कि उसके आंसर्स कैसे आ रहे हैं। वो एक ही जगह पर ये एडिशन और वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है। 2 + 1 = 3 बट 7 + 3 = 1। सो ही डजंट अंडरस्टैंड। सो हाफ वे वो काम कर, हाफ वे वो लर्न कर रहा है अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन, पर हाफ वे उसको समझ में नहीं आ रही है। इसके अलावा मेरे पास एक ये है, अगर आप ये देखें, इसमें आपने कभी इस किस्म के अपने बच्चे का या जो भी जिन लोगों को इस किस्म का कोई पेपर देखा होगा कि अच्छी खासी तैयारी करा के भेजा सुबह घर से और शाम को ये वाला रिजल्ट आया बच्चे का। अगर आप इसको गौर से देखें तो, और आप इसमें से किसी की कोई तस्वीर को इसमें से खींचना चाहे तो वो देख सकता है, और आप देखें कि देख इसमें जो इतनी इतनी जिस जहाँ पर उसने बहुत से क्वेश्चंस जो हैं आप ये देखें उसने अनअटेंडेड छोड़े हैं, उससे हुए ही नहीं बच्चे से, वो कर ही नहीं पाया कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, उसे नहीं करना आया। अच्छा, ये देखें, ये भी एक मैथ है, आप ये देख रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं देखना आ रहा, उसके लिए कितना मुश्किल है कि वो टाइम देख ले। देखिए, दिस इज ऑल मैथ डिसेबिलिटी। एक क्वेश्चन दे रहे हैं डॉक्टर, जी जी बताइए। साइमा शम्स कह रही हैं कि अगर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड रीडिंग इन मैथ सब्जेक्ट बोथ एरियाज अगर डन है तो फिर इनको प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और वो भी मैं जब डायग्नोस के वो उसका भी डायग्नोस का एक तरीका है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर ऑल एरियाज जो हैं वो लो हैं सब के सब, और अगर आई क्यू हाई है तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर आई क्यू भी बहुत लो है सब एरियाज के साथ तो फिर ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है। तो मैं इसका डिफरेंस आपको ठहर के बताती हूँ। आप सिर्फ ये पहले मैथ को देखिए, अगर आप ये देख रही हैं उसने 36 को कैसे उसने प्लस किया, देखिए 0 6 + 3, और 40 को इज इक्वल 41 + 1। अगर आप ये देख रहे 26 को, और ये फोर्थ और फिफ्थ बच्चे का काम है, और ये माँ बाप बाद में परेशान हो रहे होते हैं कि मैंने तो इतना समझाया, इतना किया, ये हुआ क्या, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आए। उसकी यही रीजन है कि वो न्यूरोलॉजिकली, जैसे मैंने पहले बताया कि जब वो उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, जब स्टोर करता है तो वो उसको उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और हमेशा वो उस चीज को, वैसे भाई हम यहाँ पे आप जो सुन रही हैं बात, आप इसको स्टोर कर रही हैं, और ऑटोमेटिकली अल्लाह मियाँ का ऐसा प्लान है, ऐसा प्रोग्राम हम बने हुए हैं कि वो सेकंड से माइक्रो सेकंड्स में प्रोड्यूस हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, हर चीज बात हो रही है, बच्चा उस तरह से नहीं कर पाता। ठीक है, अच्छा, अगली जो है रीडिंग की होगी, मैथ की होगी, अब जो है वो डिसग्राफिया, जिन बच्चों को राइटिंग का इशू है स्पेसिफिक। ये रीडिंग राइटिंग टुगेदर भी हो सकते हैं, जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोस करके पेपर लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि रीडिंग में है या मैथ में है, रीडिंग में है या राइटिंग में है, या कॉम्प्रिहेंसिव ऑल एरिया में है। तो अब हम क्वेश्चन है कोई? नहीं। अच्छा, अच्छा।